किसानों की समस्याओं को लेकर बैठक का आयोजन बलदेव महरिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक डब्लू गोस्वामी संवाददाता जयपुर ग्रामीण। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूं। दोस्तों, 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना यह संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। दूदू किसान महापंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव महरिया की अध्यक्षता में आज किसानों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में तय किया गया कि आगामी 1 मार्च को दूदू में पुलिया के नीचे न्यूनतम समर्थन मूल्य, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग और पेट्रोल डीजल एवं गैस की बढ़ती कीमतों के साथ बढ़ती महंगाई के विरोध और दूध सब्जियों के भाव ज्यादा बढ़ाने के पक्ष में प्रदर्शन किया जाएगा। महरिया ने सभी कार्यकर्ताओं को इस प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। किसानों में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ भारी आक्रोश देखा गया। बैठक में किसान महापंचायत के प्रदेश महामंत्री जगदीश नारायण खुड़ियाला, मीडिया प्रभारी रणजीत सिंह रणवा, जिला महामंत्री नंदलाल मीणा, युवा नेता रामराज मालेड़ा, हरजीराम घटाला, राम गोपाल नेकाड़ी, रामकिशोर दाधीच, लक्ष्मी नारायण मीणा, महावीर सिंह आदि किसान नेता मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आप बताइए, किसान महापंचायत के माध्यम से दूदू के आह्वान पे पूर्व में रामपाल जी भाई साहब के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को समर्थन मूल्य के जो कांटे स्वीकृत किए थे 27, उसका धन्यवाद देने गए थे। उस टाइम पे हमारी मांग थी कि किसानों को रात में लाइट नहीं दी जाए, तो मुख्यमंत्री जी ने शहर से रामपाल जी भाई साहब के और दूदू तहसील के कार्यकर्ताओं का आह्वान पे 2 साल से हमारे को दिन में ही लाइट दी जा रही है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस साल इस बजट में जो किसानों की मांग थी कि ये 2 माह का बिल और सब्सिडी खत्म कर दी, उस इस बजट में भी गहलोत साहब ने रामपाल जी भाई साहब और किसान महापंचायत के माध्यम से इस आह्वान को स्वीकार किया है। इसलिए तहे दिल से किसान महापंचायत उनका धन्यवाद साधुवाद करती है। और आगामी जो हमारी फसल बीमा की जो प्रक्रिया चालू है, पिछले साल से इस साल रामपाल जी भाई साहब ने मिलकर के और कलेक्टर साहब से आदेश करवाए थे मूंगों का खराबा का, उस हिसाब से उसमें 80% खराबे के लिए गवर्नमेंट से और ये क्रॉप कटिंग जो सरकार की है, ये सरकार की पूरी प्रतियां पूरी तहसील की हमारे पास में उपलब्ध हैं। और हमने हर गांव के विजिट की हैं, हर गांव में 80% से ऊपर खराबा हुआ है, उसका अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला, उसके लिए इनको बहुत भारी रोष मैं प्रकट कर रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा किसान महापंचायत के माध्यम से कि किसानों को जल्दी से जल्दी एक तो फसल बीमा मूंगों का जो पिछले साल से बकाया चल रहा है वो भी दिलवाया जाए, और आगामी अभी रवि फसल में इतना खराबा हो चुका है, चनों में उकाला लग चुका है, गाँव में मतलब 50-60% लोगों की खड़ी फसल खराब हो चुकी, कई गांवों में फसल मतलब बुआई बो दी लेकिन वो उगी नहीं है और चने के प्रीमियम के उनके पैसे काट लिए गए, इसलिए उनको उनकी मुआवजा दिलवाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का
और जो जिन किसानों से रिलायंस कंपनी से फोन करते हैं टोल फ्री नंबर से, उस पर कोई रिसीव नहीं करते हैं और किसान को कोई राहत नहीं देते हैं। इसलिए फील्ड की ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी हो, उनकी इस फसल की खराबा जो खरीफ का हुआ था, उस तरह इस रवि फसल के लिए सरसों प्लस तारामीरा और चने की फसल के लिए इनकी रिपोर्टिंग और गिरदावरी करवाएं, ताकि किसान को अपने हित के लिए इस महंगाई के दौर में और इस काले कानून के जो सरकार लेके आई है उसका भी भोर विरोध करती है किसान महापंचायत दूदू से। सबसे पहले 28 नवंबर को राजस्थान का जत्था जो जाकर के सांजापुर बॉर्डर पे मतलब सबसे पहला कैंप लगाया था, आज राजस्थान का सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा 5 किलोमीटर की दूरी में है। बलदेव मेहरिया जी, अभी आप बताइए किसानों का क्या क्या मांग आपके पास है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं आग्रह निवेदन करता हूं, विधायक महोदय और हमारे लालचंद कटारिया साहब से, हमारे दूदू विधानसभा क्षेत्र में फसल बीमा को लेकर जो मूंग की फसल का जो खराबा हुआ था, हमें अभी तक इसका भुगतान नहीं हुआ है। यदि ये भुगतान हो जाए तो हमारे किसान भाइयों को एक मुआवजा मिल जाए और किसानों की उम्मीद है कि हर बार फसल बीमा योजना का भी लाभ मिल सके और उनकी जो हानि हुई है उस हानि से उठकर उनका एक अच्छा कार्य मिल जाए, ताकि वो उनका भुगतान करने की कृपा करें। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।